These six unusual things happen to twin flames and spiritual gifted people. आज के वीडियो में बात करेंगे being a true twin flame या अगर आप spiritual gifted हैं तो आपके साथ कुछ ऐसी कमाल की चीजें होंगी जिन्हें आप फील तो करते हैं पर जान नहीं पाते कि आखिर आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है. कुछ गिफ्ट्स आपको भगवान से मिले हुए होते हैं और उन्हें आपने अगर जान लिया तो लाइफ इजी हो जाती है. दिस गिफ्ट्स आर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड यू पीपल आर हैव डिवाइन विजडम्स. लोग आपसे मिलकर जान जाते हैं, जान पाते हैं कि कुछ अलग बात है आप में. वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली असेंशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. सो पजेजिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्योंकि आपका डिवाइन के साथ स्पेशल कनेक्शन होता है, इसलिए आप अपने आप में यूनिक होते हैं. पर यह भी याद रखना होगा कि ये गिफ्ट्स आपको ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, दे ऑल्सो कम विद द सम चैलेंजेस. ट्विन फ्लेम्स और स्पिरिचुअल गिफ्टेड पीपल इन गिफ्ट्स को अगर ना समझें तो ये आपको परेशान भी कर सकते हैं. मतलब आप अवेकंड होने जा रहे हैं अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये जो गिफ्ट्स हैं या अनयूजुअल थिंग्स जो हो रहे हैं आपके साथ उनको देखते हुए उनको समझ जब तक नहीं पाते आप ऑकवर्ड भी फील कर सकते हैं अगर आप इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को नहीं समझे प्रॉपरली. तो क्या है वो अनयूजुअल थिंग्स, आइए जाने. अगर आप इन बताए गए साइन से कनेक्ट करते हैं, अगर आप छः में से, मैं सिक्स अनयूजुअल थिंग्स या साइन बताऊंगी, इनमें से अगर आप पांच में से भी कनेक्ट कर लिए हैं तो रेजोनेट कर पाते हैं अपने आप में से, तो दैट मीन्स यू आर स्पिरिचुअल गिफ्टेड पीपल. इन गिफ्ट्स को आप लाइटली ना लें क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अनयूजुअल थिंग्स जो आपके साथ हो रहा होता है होना बंद हो जाएगा या आप खुद में परेशान रहने लगेंगे. चलिए देखते हैं अनयूजुअल थिंग्स आपके लाइफ में अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं या स्पिरिचुअल गिफ्टेड हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो नंबर वन चीज़ें क्या देखने को मिलेगी. आप किसी पर्सन का या किसी प्लेस की एनर्जी सेंस कर लेते हैं. कोई पर्सन क्या बोलना चाहता है, कितना हाइड कर रहा है, आपको पता चल जाता है. ठीक इसी तरह किसी भी जगह आप जाएंगे तो समझ जाते होंगे बहुत जल्दी कि ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है या वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ों को आप पहले ही सेंस कर लेते हैं. बिकॉज यू आर हाईली सेंसिटिव पीपल सो यू सेंस बोथ टाइप्स ऑफ एनर्जीज, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. अनयूजुअल थिंग्स नंबर टू, कई बार रेस्टलेस सा फील करना या नर्वस फील होना या एंजाइटी अटैक आना या अनइजीनेस सा लगना आउट ऑफ नोवेयर, ऐसा फील करते हैं जैसे बैठे बैठे अचानक इमोशनल होने लगते हैं आप, जो कॉमन सिचुएशन होगा आपके लाइफ में. एकदम कॉमनली आप बैठे बैठे आउट ऑफ नोवेयर एंग्जियस, आपको एंग्जाइटी अटैक आ जाएगा या आप इमोशनल होने लगेंगे जबकि कोई भी बात ऐसी हुई ही नहीं हो. तो आपको समझना होगा ये भी एक अनयूजुअल साइन है. हाँ, जैसे ही अब आप ये रेस्टलेस या नर्वस फील करते हैं तो ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ज़रूर लगेगा उस वक्त, पर आप जब इस टाइप के अनयूजुअल थिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं तो इसको हैंडल करने का हुनर भी आपको पता होता है. जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली इवॉल्व बनते जाते हैं आप में इन सभी चैलेंजेस को टैकल करने का टेक्निक भी पता चलने लगता है. अनयूजुअल थिंग्स थ्री क्या है, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे इफ यू आर टू ट्विन फ्लेम एंड स्पिरिचुअल पाथ. योर इमोशनल एंड फिजिकल सराउंडिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. आपके इमोशंस डिपेंड करेंगे कि किस टाइप के सराउंडिंग्स है आपकी. जैसे कई बार आप फील करेंगे आपके पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम करना बंद कर दिए या बटरफ्लाइज, बर्ड्स, इवन डोमेस्टिक एनिमल्स आपके आसपास आना चाहेंगे. दिस इज बिकॉज यू हैव सम एनर्जीज दैट इज कंफर्टेबल फॉर देम. आपके इमोशंस का आपके सराउंडिंग्स के साथ कनेक्शन होगा.
बहुत गहरा कनेक्शन होगा, इंटरकनेक्टेड होंगे। अगर सराउंडिंग्स प्लेजेंट है तो आपके इमोशंस भी प्लेजेंट होंगे, और अगर सराउंडिंग्स में थोड़ा बहुत उथल पुथल है तो आपके इमोशंस भी वैसा ही इफेक्ट करेगा। अनयूजुअल थिंग्स फोर क्या है? आपकी आंख सुबह 3 से 4 बजे के बीच खुल जाएगी। चाहे आप जितने टायर्ड क्यों ना हो, आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाया करेगी, और इस वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस भी फील कर सकते हैं आप, क्योंकि इस ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉस्मोस इफेक्ट। उसके बाद अब जितना भी सोने की कोशिश करें आप सो नहीं पाते, क्योंकि यूनिवर्स आपसे बातें करना चाहती हैं, आपको कुछ मैसेज सेंड करना चाहती है। इस वक्त आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आप कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। दिस इज द की टू अनलॉक योर डेस्टिनी। अनयूजुअल थिंग्स 5, कुछ ना कुछ मैसेज आपके ड्रीम और नाइटमेयर्स में जरूर होंगे। दे आर हैविंग सम वेट्स। दीज फेनोमेना हैव सम स्पिरिचुअल इंट्यूशंस। उन ड्रीम्स का कोई ना कोई, आप जो भी ड्रीम्स देखें, ज्यादातर आपके ड्रीम्स का कोई ना कोई कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से, आपके सराउंडिंग से, आपके प्रेजेंट या फ्यूचर लाइफ से जरूर होगा। हाँ, कभी कभी ये चैलेंजिंग भी हो जाएगा आपके लिए कि पता करने में कि कौन सा ड्रीम रियल है और कौन सा जिसे आपको इग्नोर करना है। इसके लिए जरूरी है आप अपने ड्रीम्स को किसी डायरी में लिखते जाएं और कोरिलेट करें, ड्रीम को डीकोड करने की कोशिश करें। इसीलिए आपके ड्रीम्स बहुत ही विविड होते हैं और ज्यादातर रियल हो जाते हैं। अनयूजुअल थिंग्स 6 क्या है? 6 अनयूजुअल थिंग्स, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम है क्या फील करेंगे, क्या कुछ आपके साथ अनयूजुअल थिंग्स होगा, जो 6 नंबर और लास्ट नंबर है। मून साइकिल, चंद्रमा आपको बहुत इफेक्ट करता होगा, खासतौर से फुल मून एंड न्यू मून, या कुछ ऐसी पोर्टल एनर्जी जब शिफ्ट होती है। आपके इमोशंस एंड स्टेट ऑफ माइंड, जैसे हो सकता है आपकी मान लीजिए एंजाइटी या रेस्टलेसनेस बढ़ जाए इस न्यू मून या फुल मून के ड्यूरेशन में, या जब पोर्टल शिफ्ट होता है उस वक्त। पर इससे आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको यूज करना चाहिए लूनर एनर्जी के हाई वाइब्रेशंस एनर्जी को। यू कैन स्टार्ट हार्नेस द पावरफुल लूनर एनर्जी फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। इस दौरान मेडिटेशन करें, साथ ही डिवाइन से गाइडेंस लेने की कोशिश करें। आप देखिएगा करेक्ट टाइम पर आपको एंजेलिक गाइडेंस जरूर मिल जाएगा। तो ये थे 6 अनयूजुअल थिंग्स जो कि ट्रू ट्विन फ्लेम्स और स्पिरिचुअल पाथ में जो है, स्पिरिचुअल जर्नी में जो है, उनके साथ होता है। अगर इनमें से 5 भी आपके साथ हो तो आप यकीन माने कि आपको इन पर वर्क करना चाहिए, बगैर घबराए, बगैर ये सोचे कि ये आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये होगा ही, इट्स अ नेचुरल थिंग। ये होगा, ये सभी के साथ होता है जो इस जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मैं एक एस्ट्रोलॉजर और ट्विन फ्लेम कोच भी हूं। अगर आपको ट्विन फ्लेम रिलेटेड कोई गाइडेंस, इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस या पर्सनल सेशन चाहिए कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वो आपके वाकई ट्विन फ्लेम है, ट्रू ट्विन फ्लेम है, या आप सिर्फ ये आपकी धारणा है या आपका वहम तो नहीं, या फिर अगर करियर रिलेटेड, लव रिलेटेड रीडिंग अगर चाहिए तो पर्सनल रीडिंग आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होता, इसमें एनर्जी लगता है, टाइम लगता है, इसलिए पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होता, पेड होता है। ये ध्यान में रख के ही मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत बहुत खुश रहेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय।